हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। और कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था, आज क्वेश्चन 9 देखते हैं। बहुत इजी है, देखिए ध्यान से। कह रहा है द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? राहुल और हरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाए तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट राहुल से प्रेजेंट एज इक्वल कितना है, 5 है। और मैंने कहा था कभी भी रेशियो में दिया हो तो उसका क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो रेशियो हटा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं वही करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, लिखेंगे क्या, राहुल्स प्रेजेंट एज इक्वल कितना हो जाएगा, 5 इयर्स, है ना। यानी राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 5 इयर्स। इतना वर्ष, सॉरी इयर्स, और ये इतना इयर्स। फिर लिखेंगे क्या, हारून्स प्रेजेंट एज, हारून्स प्रेजेंट एज इक्वल, अब क्या है, 7 इयर्स, इयर्स हो जाएगा। ये क्या होगा, हारून की वर्तमान आयु बराबर कितना, 7 इयर्स वर्ष। ठीक है, अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बहुत इजी है। अब पढ़िए क्या कह रहा है, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7 मींस, वो तो मैंने लेट कर लिया है ना, यहां मैंने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है। ठीक है, यहां लेट कर लिया है माना, एंड लेट कर लिया है ना, तो क्या हो जाएगा, अब आगे देखते हैं। 4 इयर्स लेटर, कभी भी अगर लेटर आ जाए, क्या आ जाए, लेटर आ जाए, लेटर मतलब बाद में, ठीक है, लेटर आ जाए, बाद आ जाए, पश्चात आ जाए, ठीक है, आफ्टर आ जाए, तो हमेशा जान लीजिए जितनी भी एज होगी और जितने वर्ष बाद, यानी जितने इयर्स लेटर बोलेगा उसी में उतना प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी में क्या किया जाएगा, उतना प्लस। तो कितने साल बाद बोल रहा है, 4 इयर्स लेटर, यानी 5 इयर्स, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी, 5 इयर्स, 4 इयर्स लेटर, लेटर में मैंने क्या कहा है, उसी में प्लस कितना कर दीजिए, जितने साल बाद बोल रहा है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पहला प्लस। अब हारून की कितनी है, 7 इयर्स है, लेटर बोल रहा है कितने इयर्स लेटर, 4 इयर्स, प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया, अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ, यानी इनका दोनों का क्या, योग का मतलब प्लस होता है, इसलिए प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल कितने के हो जाएगा, 56। अब चलते हैं, अब यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं लगाए या ना लगाए, चाहे आप लगाइए ब्रेकेट या ना लगाइए, 5x ही है, 7x है, 5 और 7 12x, और प्लस 4 प्लस 4 करिए 8, इक्वल कितना आ जाएगा, 56। तो 12x इक्वल इक्वल 56, और इधर कोई भी चीज होती है अगर प्लस में होगी उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, अगर कोई वैल्यू इधर है प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, मींस ये हो जाएगा 12 इयर्स इक्वल, अब 56 है, 56 में से 8 माइनस करिए, यहां आया कैरी लिया 116 हुआ, 16 में से 8 गए 8, यहां कितना हो गया 4, यानी कितना हो जाएगा 48। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मींस किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर कोई भी चीज इधर होगी, कोई भी नंबर इधर है मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यस इक्वल 48 अपॉन 12 हो गया। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 12 से,
12 का टेबल पढ़िए, 48 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 फोर जा 48, तो यस इक्वल कितना हो गया, 4 इयर्स हो गया ना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था राहुल और हारून की प्रेजेंट एज, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, हियर राहुल्स प्रेजेंट एज, राहुल्स प्रेजेंट एज, तो राहुल्स प्रेजेंट एज, अब राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, 5 इयर्स है, मींस 5 और इनटू यस, यस की वैल्यू कितनी है, 4 हो जाएगी, 5 फोर जा 20, यानी 20 इयर्स के कौन है, राहुल, यानी राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हारून्स प्रेजेंट एज, हारून्स प्रेजेंट एज, अब बताइए हारून की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 इयर्स है, तो 7 और इनटू यस, यहां 7 इयर्स राइट करते हैं, फिर ये हो जाएगा 7 इनटू यस, यस की वैल्यू कितनी है, 4, कितना हो जाएगा, 28 इयर्स, यानी हारून की वर्तमान आयु। अब देखिए, अब आपको अगर आंसर अपना चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो 20 है, अब 4 इयर्स लेटर करिए, प्लस 4 इसमें भी कर देंगे, प्लस 28 प्लस 4 इसमें भी कर दीजिए, अगर इसको पूरे को सम करें तो कितना आना चाहिए, 56, अगर 56 आ गया जान लीजिए सही है, तो 20 प्लस 4 24 हो गया, प्लस 28 प्लस 4 32, 4 और 2 6, 3 2 5 यानी 56, मींस आवर आंसर आर करेक्ट, यहां हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कल पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए।